Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. न्याय के साथ में 25 गारंटी उस पर उसको पोस्टमार्टम वो करने वाले कौन होते हैं? आप अपनी बात क्यों नहीं करते हो? और दोनों मैनिफेस्टो को अगर करना ही है तो हम चैलेंज करते हैं कि आप डिसीजन करो कि पता पड़े आपको कि किसके मैनिफेस्टो में दम है। जिस तरीके से इस बार चुनाव में आप वोट जिहाद और अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है इस बार ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने यही काम किया बालाकोट कर गुला के अब यही कर रहे हैं। भाई सीमाओं पे कोई घटना दुर्घटना होती है पूरा मुल्क एकजुट होता है सरकार के साथ में। सरकार किसी की भी हो अगर मोदी जी गवर्नमेंट थी बालाकोट हुआ कुछ भी हुआ पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। उसको ये टर्न दे के चुनाव जीतना चाहते हैं ये चुनाव जीतते हैं अब ये हरकतें करने लगे वापस पाकिस्तान को लेके आ गए। कहाँ पाकिस्तान कोई चर्चा में है देश के अंदर? तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इलेक्शन कमीशन सबको दबाव में रखा है। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला इनकी फाइनेंस मिनिस्टर के एडमिट कह रहे हैं प्रभाकरण जी कि ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अकाउंट बंद कर दिए कांग्रेस के यूएनओ और आपका अमेरिका जर्मनी क्या बोल रहे हैं। तो ये हालात बड़े गंभीर देश के अंदर। अब जनता को भी आ जाना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं अगर ये चुनाव भारी बहुमत जीत जाए चुनाव आगे होंगे ही नहीं होंगे देश के लिए चिंता होनी चाहिए पब्लिक के लिए भी। अंडरकरंट की आपने बात कही सर 400 पार का नारा भाजपा ने लगाया था और आप कैसे देखते हैं अंडरकरंट को देखते हुए? अब 400 पार का नारा खत्म हो गया। वो खुद नाम नहीं लेते 400 पार का नाम ले नहीं रहे इतने वे कभी भैंस के लेके आते हैं दो भैंसें कभी मंगलसूत्र ये इस प्रकार से मैं समझता हूँ बोखला के बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर खुद भी। तो जनता अब समझती है इसलिए रास्ता में देखेंगे आप शानदार विजय हमारी होगी वहाँ पर। पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है कांग्रेस पक्ष में बन रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और पब्लिक के मूड का पता नहीं लगता। कई बार इंदिरा जी चुनाव हार गई थी उस वक्त भाई वाजपेयी का फील गुड और इंडिया का वो फील गुड और इंडिया साइनिंग काम ही नहीं आया किसी को यकीन नहीं था कि वो हार जाएंगे। तो ये पब्लिक पता नहीं कब किसको झटका दे दे एकदम घमंड में नहीं चलना चाहिए इनको। इशू बेस्ड राजनीति कर पांच और अभी वो है फेज दो ही हुए ना। अभी मैं अपील करना चाहूँगा वो आए राहुल गांधी की यात्रा का निचोड़ जो हमारे मैनिफेस्टो 25 गारंटी उस पर आए नंबर एक। नंबर दो महंगाई बेरोजगारी अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए इस चार मुद्दे हैं ना। इन मुद्दों में बहस करे और देश को उस बहस में लाए तब जब उस पर बहस करे ना पब्लिक फैसला करेगी हमें किसको सरकार बनानी है। ये जो इस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं ना मांसवाड़ा के बाद में वो खतरनाक है।